जून 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर अब चीन का झूठ बेनकाब हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द क्लैक्सन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हिंसक झड़प में चीन के 38 सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात स्वीकारी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि झड़प के दौरान 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। यह एक खोजी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को 1.5 साल के रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन झड़प के बाद से ही लगातार अपने सैनिकों की मौत की संख्या छुपाता रहा। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इस सारे मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की टीम तैयार की थी, जिसने गलवान डिकोडेड शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। एंथनी क्लान की अगुवाई वाली स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कई सिपाही उस रात गलवान नदी में बह गए थे। इस रिसर्च में रिपोर्ट ने ड्रैगन के सभी प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस झड़प के तथ्यों में हेर फेर करने के लिए 2 अलग अलग घटनाओं को आपस में जोड़ा था। चीन ने कभी भी गलवान में मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई, लेकिन पिछले साल उसने झड़प में मारे गए 4 सैनिकों को मेडल देने की घोषणा की थी। रिसर्चर्स ने बताया कि 15 से 16 जून की रात में 0 डिग्री तापमान में बहने वाली गलवान नदी में कई पीएलए सैनिक डूबकर मर गए थे। मीडिया रिपोर्ट में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के कई यूजर्स के ब्लॉग के आधार पर यह दावा किया गया कि उस रात 38 चीनी सैनिक नदी में बह गए थे। बाद में चीनी अधिकारियों ने इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया था। इन 38 लोगों में जूनियर सार्जेंट वांग जुआ रान भी शामिल था, जिन्हें चीन ने मेडल देने की घोषणा की है। इस रिपोर्ट के बाद से यह साफ हो गया कि चीन लगातार अपने सैनिकों की मौत का सच छुपाता रहा और प्रोपेगेंडा के जरिए दुनिया से झूठ बोल रहा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।